जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान के ब्लू सिटी यानी कि जोधपुर की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप जोधपुर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको जोधपुर कैसे पहुंचना है, जोधपुर में हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए, जोधपुर में हमको होटल्स कहां मिलेंगे और हमको खाने पीने की वहां क्या व्यवस्था है, जोधपुर में हमको कब आना चाहिए, सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा रहेगा और जोधपुर में किन किन स्थानों पर हमको घूमना चाहिए और हमारा साधन क्या होगा, मैं स्कूटी लेकर घूमूं या फिर मैं वहां के ऑटो टैक्सी के द्वारा घूमूं, और अंत में ये भी जानेंगे कि पूरे जोधपुर को घूमने के लिए आपका एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके इन सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको जोधपुर यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ आपका एक परफेक्ट और बजट आइटनरी भी तैयार होगा। तो चलिए दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं कि हमको जोधपुर कैसे पहुंचना है। दोस्तों जोधपुर पहुंचने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है आपका बाई ट्रेन। अगर आपका विकल्प ट्रेन है तो आप जोधपुर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। बड़े बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट ट्रेन फैसिलिटी मिल जाएगी, और अगर आपको जोधपुर तक का डेस्टिनेशन नहीं मिलता तो उसी के पास एक और बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है भगत की कोठी। तो आप देख लीजिए कि आपके शहर से भगत की कोठी तक के लिए ट्रेन है या फिर आपको जोधपुर तक के लिए ट्रेन अवेलेबल है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका फ्लाइट से। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जोधपुर में ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, तो आप अपने शहर से जोधपुर तक डायरेक्ट फ्लाइट के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका बस का। दोस्तों आपको बस फैसिलिटी, बस कनेक्टिविटी हर जगह से, हर शहर से आपको मिल जाएगी, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे वो विद इन स्टेट हो। तो दोस्तों आपको वहाँ पे बस भी दो प्रकार की मिलेगी, एक तो मिलेगी गवर्नमेंट बस और एक तो मिलेगी आपको प्राइवेट बस। तो आप देख लीजिए कि आपका क्या बजट है और आपकी क्या फैसिलिटी है, उस हिसाब से आप बस के माध्यम से भी जोधपुर शहर पहुंच सकते हैं। आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि रोड भी टॉप एंड टॉप बनी हुई है। चलिए दोस्तों हम जोधपुर पहुंच चुके हैं, और सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हमको जोधपुर में किस स्थान पर स्टे करना चाहिए। दोस्तों वहां पर रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक है आपका घंटाघर, जिसको क्लॉक टावर भी कहा जाता है। तो दोस्तों कुछ टूरिस्ट तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही होटल्स ले लेते हैं, क्योंकि उनको 800-900 रुपए में होटल मिल जाते हैं, और कुछ टूरिस्ट आपके घंटाघर के पास स्टे करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप घंटाघर के पास अपना स्टे बनाइए, क्योंकि घंटाघर वो स्थान है जहां पे आपको शॉपिंग, फूड और आपके वहां के सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध और भारत का लार्जेस्ट फोर्ट कहलाता है, जिसका नाम है मेहरानगढ़ फोर्ट। तो दोस्तों आप इसीलिए घंटाघर के पास अपने होटल्स ले सकते हैं। हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप रेलवे स्टेशन के पास भी ले सकते हैं, 1.5 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको यहाँ पे स्टे करने के भी दो ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन तो ये है कि आप चाहें तो वहाँ पे प्राइवेट होटल्स ले सकते हैं घंटाघर के पास, आपको वहाँ पे 1,000-1,500 रुपए तक होटल्स आराम से मिल जाएंगे। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ स्टे करने की, वो है आपका हवेली, यानी कि एक आप हवेली मिल जाएगी, वो हवेली आपकी बहुत प्राचीन काल की हवेली रहेगी, वहां भी आप स्टे कर सकते हैं। उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, 2,500-3,000 रुपए होता है एक दिन का। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं हवेली में रुकना, तो आप हवेली में भी रुक सकते हैं अगर आपका बजट बढ़िया है तो। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि हमको जोधपुर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और हमको कहाँ पे इसकी उपलब्धता मिलेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्लॉक टावर है यानी कि जो घंटा घर है, उसी के आसपास आपको शॉपिंग करने की, फूड करने की, वहाँ पे स्ट्रीट फूड हर प्रकार के आपको चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप चाहें तो घंटा घर के पास अपने भोजन कर सकते हैं। अगर आप होटल में ही अपने खाने मंगवा रहे हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वहाँ पे अपने खाने खा सकते हैं। भोजन करने में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे लोकल फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, सभी प्रकार के फूड वहाँ पे अवेलेबल इजिली हो जाते हैं। कॉस्ट भी नॉर्मल होते हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई कॉस्ट नहीं होता है। चलिए दोस्तों तो ये तो था हमारे रुकने का और खाने पीने की व्यवस्था। बात करते हैं दोस्तों कि अब हमको जोधपुर में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और हमको जोधपुर वास्तव में आना कब चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है राजस्थान में पूरे ही जगह गर्मी बहुत ज्यादा पैमाने पर पड़ती है, तो जो सबसे बेस्ट समय है जोधपुर आपको आने के लिए वो है आपका नवंबर से लेकर फरवरी तक। ये 4 महीने ऐसे हैं कि यहाँ का वेदर आपको बहुत ही मस्त लगेगा और साथ ही साथ आपको पूरे जोधपुर को एक्सप्लोर करने में भी एक अलग ही अनुभव प्रदान होगा। तो दोस्तों नवंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में आ सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों कि हमको जोधपुर में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए, तो दोस्तों 2 दिन आपके लिए सफिशिएंट है पूरे जोधपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। पहले दिन आप वहाँ के लोकल साइट सीनिंग कर लीजिए, यानी कि जो भी आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर के दायरे पे बहुत सारी चीजें घूमने लायक है, तो डे 1 पे आप उस दिन वो घूम लीजिए। डे 2 पे आपको जो थोड़ी दूर पर कुछ चीजें हैं उसको आप एक्सप्लोर कर लीजिए, और डे 2 पे ही आप अपने शाम को रवानगी ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये कह देना चाहिए कि जोधपुर में 2 दिन से अत्यधिक बिताने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 दिन में आप जोधपुर को भली भांति एक्सप्लोर कर लेंगे। चलिए सो बात करते हैं कि अब हमको कौन कौन से स्थान पर विजिट करना है जोधपुर में, और हमारा इन सारी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट। दोस्तों राजस्थान का ही नहीं बल्कि ये भारत का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट कहलाता है, जिसका नाम है मेहरानगढ़ फोर्ट। दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट में आप जाकर कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, 2 घंटे आपको कम से कम लगेंगे। अब बात करते हैं कि इस फोर्ट के अंदर हमको क्या क्या चीजें घूमने को और देखने को मिलेगी। दोस्तों इस मेहरानगढ़ फोर्ट में कुल 7 प्रवेश द्वार हैं।
और इस फोर्ट के अंदर आपको अनेक महल देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे लोकप्रिय महल है, जो लोकप्रिय पैलेस है, वो है आपका शीश महल, मोती महल और फूल महल। इनकी नक्काशियां, इनके पत्थर के ऊपर जो वास्तुकला है वो बहुत ही शानदार है। तो एक बार यहां से आकर आप जरूर समय व्यतीत करिएगा। आपको किले के अंदर और भी बहुत अच्छे अच्छे प्राचीन सौंदर्य देखने को मिलेंगे, जो कि फोटोशूट के पर्पज से बहुत ही शानदार है। बात करते हैं दोस्तों फोटोशूट में आपको क्या कैमरे अलाउ हैं। तो दोस्तों अगर आप DSLR लेके जाते हैं तो आपको 100 रुपए पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको फोटोग्राफी करने मिलेगी। तो अगर आपके पास DSLR है दोस्तों तो आप जरूर फोटोशूट करिएगा, क्योंकि मेहरानगढ़ फोर्ट बहुत ही शानदार एक किला है, जिसके अंदर आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। दोस्तों इस फोर्ट के अंदर आपको एक म्यूजियम भी मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा संग्रहालय है। यहाँ पे आपको वहाँ के प्राचीन विपन्स, कॉस्ट्यूम्स, राजाओं का रथ और वहाँ पे अनेक सारी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि राजाओं के जमाने पे इन सारी चीजों का उपयोग किया जाता था। दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर अगर आप चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, चाहे आप राजस्थानी शॉपिंग करिए, चाहे आप अपने कुछ हैंडलूम्स, हैंडक्राफ्ट्स, ये सारी चीजें लेना चाहते हैं, तो आप शॉपिंग के भी आपको ढेर सारे शॉप्स देखने को मिल जाएंगे और कॉस्ट भी बहुत ही सही होता है। दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर यानी कि जो रूफ में अगर आप जाते हैं तो वहां पे सनसेट का जो नजारा है वो बेहद शानदार हो जाता है। तो अगर आपको सनसेट में फोटोशूट करवाना है मेहरानगढ़ फोर्ट पर, तो आप इवनिंग के समय पे 5 से 6 बजे के बीच में अवश्य जाइएगा और वहां पे भी दृश्य देखिएगा। दोस्तों इस मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर से आपको पूरे जोधपुर शहर एक नीला नीला नजर आएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लू सिटी। तो दोस्तों यहां पे रहिए कुछ समय, यहां व्यतीत करिए और आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका चामुंडी देवी मंदिर। दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट से ही कुछ दूरी पर आपका बना हुआ है चंडी माता का मंदिर, तो वहां भी आप जाइए, वहां पे भी आप कुछ समय व्यतीत कीजिए, मत्थे टेकिए, दर्शन कीजिए और आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका जसवंथाड़ा। दोस्तों जसवंथाड़ा, जैसा कि कहा जाता है ताजमहल ऑफ मेवाड़, यहाँ पे व्हाइट मार्बल से इस जसवंथाड़ा को बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है फोटोशूट के पर्पज से। और अगर आप शांत भरे मन से घूमना चाहते हैं तो जसवंथाड़ा आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है, एक बार यहाँ आप जरूर जाइएगा। यहाँ का एंट्री फीस 250 रुपए लगता है और आपको इसके अंदर बहुत ही सुंदर यहाँ की वास्तुकला, मेवाड़ लोगों के जमाने के यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप जसवंथाड़ा में भी जाकर कुछ समय व्यतीत कीजिए और आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, वो है आपका जोधा डेजर्ट पार्क, जिसको राव जोधा डेजर्ट पार्क भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी एंट्री फीस जो है वो 100 रुपए की है। ये एक प्रकार से पिकनिक स्पॉट है, जो कि बहुत ही शानदार है। दोस्तों यहाँ पे एक गार्डन है, जो कि आपको बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको समय व्यतीत कीजिए, यहाँ पे भी आप आधे एक घंटे जरूर बिताइएगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, बहुत ही शानदार नजारा देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ से जोधपुर शहर का भी एक शानदार नजारा देखने को जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आपका स्टेप वेल स्क्वायर। दोस्तों ये एक प्रकार से आपका यहाँ पे कुंड है, तो यहाँ आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैफेटेरिया, लंच, फूड सब की फैसिलिटी है। तो अगर आप कपल्स हैं या फिर अगर आप फैमिली के साथ हैं तो इस स्टेप वेल में जरूर जाइएगा, बहुत ही पीसफुल प्लेस है और आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान होगा। और अगर आप फूड या फिर लंच करना चाहते हैं तो फिर आप स्टेप वेल स्क्वायर में वहाँ के कैफेटेरिया में जाकर आप भोजन भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहें तो वहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं, जो कि अलग ही अनुभव आपको देता है। तो दोस्तों डे वन पे आप ये सारी जगहों को घूम लीजिए, जो कि 1 से 2 किलोमीटर के दायरे पे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, और आप उस दिन अपने होटल में रात में स्टे कर लीजिए। डे नंबर 2 पे दोस्तों आपको थोड़ी दूरी पे जाना है, जिसमें से सबसे पहला आपका आता है मंडोर गार्डन। दोस्तों मंडोर गार्डन, यहाँ पे आपको 30 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति देखने को मिलेंगी, जो कि प्राचीन काल की मूर्ति है। तो यहाँ पे भी आप कुछ समय व्यतीत कीजिए, दर्शन कीजिए, यहाँ का दृश्य देखिए। मंडोर गार्डन घूमने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा अवश्य लगेगा, तो यहाँ भी आप रहकर समय व्यतीत कीजिए और आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका बलसमंद लेक। दोस्तों बलसमंद लेक एक प्रकार से पिकनिक स्पॉट है, चाहे अगर आप हनीमून कपल्स हैं, चाहे आप बैचलर्स हैं, चाहे आप फैमिली हैं, सभी के लिए ये पिकनिक स्पॉट बहुत ही शानदार है। यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की नेचर और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य काफी ज्यादा लुभाते हैं टूरिस्ट को। तो यहाँ भी आप जाकर कुछ समय आप यहाँ भी स्पेंड कीजिए और आप मूव करिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका उमैद भवन पैलेस। दोस्तों उमैद भवन पैलेस, जिसकी एंट्री फीस आपको 50 रुपए लगेगी, यहाँ पे आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको कुछ रूम्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वहाँ स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको जोधपुर की ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाएं भी यहाँ जानने को मिलेगी। तो आप उमैद भवन एक बार जरूर जाइएगा, काफी बड़ा और काफी सुंदर ये उमैद भवन पैलेस है, तो यहाँ भी आप कुछ समय रहकर जरूर व्यतीत करिएगा। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे हिसाब से सभी टूरिस्ट को एक बार इसका अनुभव लेना ही चाहिए, जिसका नाम है बिश्नोई विलेज। दोस्तों ये बिश्नोई विलेज एक वहाँ पे जोधपुर में एक छोटा सा गांव है, जहाँ पे आपको वहाँ के राजस्थानी ग्रामीण की जिंदगी कैसे होती, कैसे उनका दिनचर्या व्यतीत होता है, ये सारी चीजें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बिश्नोई विलेज में भी वहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था मिल जाती है, एक आपको घर दे दिया जाता है, जो कि मिट्टी के घर होते हैं। काफी अच्छा लगता है वहाँ के लोगों के साथ रहना, वहाँ के लोगों से बातचीत करना, आपको एक अलग ही अनुभव मिलता है और आपको राजस्थान के बारे में, राजस्थान के वहाँ के कल्चर के बारे में, राजस्थान के वहाँ ग्रामीण लोगों को कैसे वहाँ पे रहन सहन है, इन सब चीजों के बारे में जानने को मिलता है। तो अगर आप
आप यहाँ पे बिश्नोई विलेज जाते हैं तो एटलीस्ट आप एक दिन जरूर स्टे भी उनके साथ करिएगा। दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट भी आपको ज्यादा नहीं पड़ती है, 1500-2000 रुपए पड़ता है एक दिन का। तो वहाँ पे आप रहकर बिश्नोई विलेज का भी एक आनंद ले सकते हैं, वहाँ के लोगों के साथ आप बैठकर समय व्यतीत कर सकते हैं, अपनी कुछ जानकारी उनके साथ साझा कर सकते हैं और उनसे भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो दोस्तों दो दिन का ये टोटल आइटनरी था जिसमें आपको जोधपुर के लिए घूमना है। इसके बाद अगर कुछ टूरिस्ट जो है वो आपके जाते हैं डेजर्ट कैंप पे, जो कि आपको रेगिस्तान पे वहाँ पे एक हाउस हट मिलता है, वहाँ पे स्टे करते हैं, कैमल सफारी, थार सफारी करते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। चाहे तो आप जा सकते हैं सैम डेजर्ट विलेज जो कि जैसलमेर जिले में पड़ता है। तो दोस्तों मैंने जैसलमेर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसमें मैंने इसका जिक्र किया है, रेगिस्तान में स्टे करना है, वहाँ के राजस्थानी कल्चर नाइट शो में शामिल होना है, तो ये सारी चीजें मैंने जैसलमेर की वीडियो पे बता दिया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके जैसलमेर की मेरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि इन सारी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों डे वन पे तो आपको मेरे ख्याल से स्कूटी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 1-2 किलोमीटर की दूरी पे सभी चीजें हैं, तो आप पैदल ही इन सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। हाँ, डे नंबर टू में आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर की ये सारी स्पॉट्स हैं। तो डे नंबर टू में आपको वहां पे टैक्सी ऑटो अगर आप लेते हैं तो आपका वो 1500-2000 रुपए लेंगे और बोलेंगे कि हम ये सारी जगहों को घुमा के आपको वापस जोधपुर सिटी में छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपका कॉस्टली पड़ जाता है। इसका कारण ये है कि आप अगर वहां स्कूटी लेंगे तो आपको स्कूटी वहां पे रेंट पे मिल जाएगी 500 रुपए में मैक्सिमम, बार्गेनिंग कराएंगे तो हो सकता है आपको 400 रुपए में भी मिल जाए, 350 रुपए में मिल जाए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट और जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी है वो स्कूटी ही है। आप वहां से स्कूटी ले लीजिए और अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ जरूर रखिएगा और एक आइडेंटिटी आप स्कूटी वाले एजेंट को दे दीजिएगा और आप स्कूटी से सारे जगह को घूम सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ये स्कूटी मिलेगी कहाँ, तो या तो आप चले जाइए रेलवे स्टेशन के पास या फिर आप चाहें तो आ सकते हैं अपने मेहरांगनगढ़ फोर्ट यानी कि घंटाघर के पास। दोस्तों दोनों ही जगह पे आपको बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे जो कि स्कूटी फॉर रेंट करके बोर्ड टंगा हुआ होगा, तो वहां पे किसी के पास भी जाकर आप अपने स्कूटी हायर कर इन सारी जगहों को घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि हमको ब्लू सिटी यानी कि जोधपुर घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप एक मॉडरेट खर्चा करते हैं, ना तो आप ज्यादा महंगे होटल में रुक रहे हैं, आप खाने पीने का आप एक बजट होटल ढूंढते हैं और आप स्कूटी से घूमते हैं, तो आपका मान के चलिए 2000-2500 रुपए में आप पूरे जोधपुर को घूम लेंगे दो दिन के लिए। दोस्तों इस कॉस्ट मैंने किसी भी तरीके के आपके फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट और आपके शॉपिंग के कॉस्ट को ऐड नहीं किया है। इस कॉस्ट में मैंने केवल और केवल आपके वहां पे होटल के खर्चे, स्कूटी के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और जो भी आपके वहां पे एंट्रेंस है उसकी यहां पे मैंने बात किया है, जो कि आपका 2000-2500 रुपए में आप पूरे जोधपुर को घूम लेंगे। ये कॉस्ट मैंने आपका पर पर्सन के हिसाब से बताया है और अगर आप हवेली लेंगे और हवेली में आप स्टे करना चाहते हैं तो फिर आपका कॉस्ट डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीज हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जोधपुर का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके आप डेफिनेटली वहां पे मेरे से जो भी आपका प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, आपको रिस्पांस डेफिनेटली मिलेगा। और आप किसी दूसरे वीडियो पे क्लिक करें उससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिए। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है यात्रावास टर्मिनल, तो वहां से आप मेरे से जुड़े रहने के लिए उस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, आपकी यात्रा मंगलमय हो।